दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि वेबसाइट को ब्लॉक कैसे करते हैं और ब्लॉक वेबसाइट को अनब्लॉक कैसे करते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि वेबसाइट को ब्लॉक या अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिस पीसी में जाना होगा, इसमें आपको लोकल डिस्क सी को ओपन करना पड़ेगा। इसे ओपन करने के बाद आपको विंडोज नेम के फोल्डर को ओपन करना होगा। विंडोज नेम के फोल्डर में आपको सिस्टम 32 नाम का फोल्डर मिलेगा, इसे भी आप ओपन कर लें। इसके बाद आपको ड्राइवर्स नाम के फोल्डर को ओपन कर लेना है। ड्राइवर्स फोल्डर में आपको ETC नाम का फोल्डर होगा, इसे भी आप ओपन कर लें। आगे आपको होस्ट नाम की फाइल मिलेगी, इसे आपको नोटपैड में ओपन करना पड़ेगा। इसे नोटपैड में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन विथ पर क्लिक कर दीजिए। आगे आपको नोटपैड की ऑप्शन आएगी, वहां पर क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपकी फाइल नोटपैड में ओपन हो चुकी है। हमारा वेबसाइट का जो मेन काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले हमें अपने सिस्टम का लोकल IP पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि लोकल IP कहां पर होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे सिस्टम का लोकल IP है वो ये रहा, नीचे देखिए। इसी तरह आपका भी लोकल IP जो होगा वो यहीं पे होगा। मेरा लोकल IP है 127.0.0.1, ठीक है। अब हमें इस फाइल के लास्ट में इस लोकल IP को टाइप करना होगा, बट इसके लास्ट डिजिट को चेंज करके। जैसे कि मेरे लोकल IP का लास्ट डिजिट है 1, तो मैं इसको 1 बढ़ाकर 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं स्पेस दबाता हूँ। उसके बाद मुझे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है जो मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं फेसबुक को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ facebook.com। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें अपना कंप्लीट URL नहीं लिखना। इसके बाद हमें एंटर को दबा देना है। आगे हमें फिर से अपना लोकल IP लिखना होगा, वही सेम तरीके से जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था। लास्ट डिजिट को चेंज करके हमने पहले 1 से 2 किया था, अब मैं 2 से 3 कर देता हूँ। और फिर से स्पेस दबाना है। स्पेस के बाद अब हमें कंप्लीट URL लिखना है। मैं लिख देता हूँ www.facebook.com। इसके बाद हमें फाइल को सेव कर देना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ फाइल नाम की टैब होगी, वहां पर क्लिक कर देना है और आगे सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। हमारा वेबसाइट को ब्लॉक करने का काम कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ब्लॉक हुई है या नहीं। मैं अपना ब्राउजर खोलता हूँ। इस ब्राउजर में मैं टाइप करता हूँ www.facebook.com, जो कि मेरी ब्लॉग वेबसाइट का URL है। यह देखिए, ये वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है। अब भाई, ये वेबसाइट तो ब्लॉक हो चुकी है, अब इसे अनब्लॉक भी करना है। अनब्लॉक करने के लिए हमें फिर से वही होस्ट नाम की फाइल में जाना होगा, उसे फिर से नोटपैड में ओपन कर लें। नोटपैड में ओपन करने के बाद
इसमें लास्ट में जो हमने कंटेंट डाला था, जो कि हमने वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कंटेंट लिखा था, उस कंटेंट को हमने डिलीट कर देना है। इसे डिलीट करने के बाद हमें फिर से फाइल पे जाके इसे सेव कर देना है, और इसके बाद हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट अनब्लॉक हुई है या नहीं। मैं फिर से अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और यूआर टाइप करता हूँ www.facebook.com और एंटर दबा देता हूँ। यह देखिए दोस्तों, अब ये मेरी वेबसाइट अनब्लॉक हो चुकी है। इस तरह दोस्तों आप अपनी किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।